हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम इस तरह के कैपेसिटर या इस तरह के पीएफ कैपेसिटर जब भी यूज करते हैं तो इसमें वैल्यू जो होती है वो इनपुट वोल्टेज से बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, इस चीज के विषय में आज बात करेंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ पे सर्किट्स दिखा देता हूँ, कुछ सर्किट्स। जैसे यहाँ पे ये एक एसएमपीएस सर्किट है जो कि हमारा 1 एम्पियर का एडॉप्टर का सर्किट है। आप इसको देखेंगे तो इसमें एक ये कैपेसिटर लगा है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। हमारे घरों की सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट होती है, लेकिन यहाँ पे 400 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लिया गया है। तो ये 400 वोल्ट जस्ट लगभग लगभग दुगना है, तो इतने ज्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर का क्यों यूज किया गया? इससे कम का हमारे 220 वोल्ट की सप्लाई है, हम 220 वोल्ट का या 250 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, तो वो क्यों नहीं यूज किया गया? ऐसा ये कैपेसिटर क्यों यूज किया गया? किसी भी सर्किट में आप देख लेंगे, कोई भी एसएमपीएस सर्किट हो या कोई भी चार्जर, हमारा कह रहे हैं ट्रांसफार्मर वाला चार्जर भी होगा अगर, जिसमें ट्रांसफार्मर होता है, जैसे पुराने चार्जर यूज होते थे उसमें भी जो कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। जैसे 12 वोल्ट का अगर हमारा ट्रांसफार्मर आउटपुट कर रहा है तो उस जगह पे हम 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करते हैं, तो उसका क्या कारण है ये आज हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एसएमपीएस सर्किट है जो कि हमारे मोबाइल चार्जर का सर्किट है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 500 वोल्ट का कैपेसिटर यूज किया गया है, 500 वोल्ट का, जबकि हमारी जो इनपुट सप्लाई है वो 220 वोल्ट सप्लाई है। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमारी रेक्टिफिकेशन होती है, इसके बाद ये फिल्टर होती है कैपेसिटर में, तो फिल्टरिंग के लिए ये कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। और कैपेसिटर की इतनी ज्यादा वैल्यू, वोल्टेज रेंज जो है इतनी ज्यादा क्यों ली गई है, इसके विषय में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप कोई सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें ये कैपेसिटर वहां पे लगेगा। तो ये इस तरह का कन्फ्यूजन जो है कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का कन्फ्यूजन पूरी तरीके से मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये एलईडी ड्राइवर का सर्किट है जिसमें पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, पॉली कैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 400 वोल्ट का ये पॉली कैप लगा है, पीएफ लगा है, तो जबकि हमारी जो सप्लाई है घरों की सप्लाई वो 220 वोल्ट आती है, और यहाँ पे 400 वोल्ट का कैपेसिटर क्यों यूज किया गया? तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एसी जो हमारी सप्लाई होती है उसमें जो साइकिल होती है यहां से यहां तक की, ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल होती है। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, अगले स्टेप में ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरीके से बढ़ती, और मैक्सिमम मान लिया 8 वोल्ट है तो 8 वोल्ट तक गई। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे डाउन हुई, 0 हुई, फिर इस तरीके से माइनस हुई। अगर हम इसको रेक्टिफाइड कर दें तो रेक्टिफाइड में ये यहाँ पे ये साइकिल जो नीचे की है ये यहीं पे बन जाएगी, अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हर पॉइंट पे बढ़ रहा है और इसके बाद हर पॉइंट पे घट रहा है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है घरों की सप्लाई का 220 वोल्ट मान के चलते हैं, तो 220 वोल्ट की सप्लाई में क्या होता है कि हर स्टेप में वोल्टेज बढ़ता है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहता है कि 220 वोल्ट हो। जो हम मल्टीमीटर से मेजर करते हैं वोल्टेज, वो वोल्टेज जो होता है वो औसत वोल्टेज होता है, जिसको हम वीआरएमएस बोलते हैं। तो यहाँ पे औसत वोल्टेज हमारा वोल्टमीटर नापता है, जो मल्टीमीटर है वो औसत वोल्टेज नापता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 220 वोल्ट ही रहता हो, वो तो हर पॉइंट पे बदल रहा है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा मल्टीमीटर नहीं नापता है। मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम वो अधिकतम वोल्टेज जो है उसको वी मैक्स मानते हैं, तो वी मैक्स इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस, यानी जो हमारा औसत वोल्टेज है, औसत वोल्टेज जो हमारा मल्टीमीटर नाप रहा है, इंटू अंडर रूट टू। यहाँ पे अंडर रूट टू की वैल्यू जो होती है आप निकालेंगे तो 1.414 आती है, जबकि हमारा औसत वोल्टेज जो वी आर एम एस है वो 220 वोल्ट है, अगर हम मान के चलते हैं तो 220 वोल्ट इंटू 1.414, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 311.13 वोल्ट्स आएगी, यानी 310 वोल्ट के लगभग आती है, अगर हमारा जो वी आर एम एस यानी जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट अगर मल्टीमीटर नाप रहा है, तो इसका मतलब वहां पे 310 वोल्ट तक जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो पहुंचता है, लेकिन ये औसत वोल्टेज हमारा मल्टीमीटर नापता है। तो ये वजह होती है, मेन वजह जो होती है वो ये वजह होती है, क्योंकि जो वी मैक्स है वो 311 तक पहुंचता है, यानी 310 या 311 तक पहुंचता है। इस वजह से हम लोग कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा इससे ज्यादा का ही हमको लेना है। तो ये
बताती है कि हमने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर 400 वोल्ट के लिए, कुछ 500 वोल्ट के लिए, ऐसा क्यों लिया? तो इसका कारण ये है कि 220 वोल्ट SMPS पावर सप्लाई है अगर कोई, तो उसमें जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट ही सप्लाई आए, वहां पे 250 वोल्ट भी आ सकती है और 275 वोल्ट भी आ सकती है सप्लाई। एक हल्का सा झटका आ सकता है 275 वोल्ट का, तो उसको ये हमारा कैपेसिटर जो है अगर हम बिल्कुल 300 वोल्ट का ही ले लेंगे या 310 वोल्ट का ले लेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग 400 वोल्ट या 500 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि वी मैक्स इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू 1.414, तो ये कैलकुलेशन हमारी 310 वोल्ट के लगभग आती है। तो इस वजह से हम लोग कैपेसिटर हमेशा ज्यादा वैल्यू का लेते हैं, जो हमारी इनपुट सप्लाई मल्टीमीटर बताता है उससे ज्यादा का हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको काफी कुछ क्लियर कर दिया है, और जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं उसके बारे में डिटेल का वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आपको काफी कुछ नई जानकारी होगी। और भी वीडियोज ये शो होंगे, इनको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।